हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कोमल उपाध्याय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन लाइफ विद कोमल। फ्रेंड्स, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं हमें सबसे पहले याद आती है अपने फ्रिज की। बट जैसे ही इस बार मैंने अपना फ्रिज खोला तो मुझे अपने फ्रिज का नज़ारा कुछ और ही मिला। लॉन्ग टाइम के बाद फ्रिज क्यों खुला, इसका रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे फ्रिज में कैसी कैसी किस तरह की गंदगी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ गंदगी ही नहीं है, ये कुछ फंगस भी है जो इसमें आ गई है। इसकी रबड़ भी काफ़ी गंदी हो गई है बाहर से, अंदर की साइड से भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये काफ़ी गंदा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने एक भिगोने में पानी रख लिया है और अभी मैं अपने फ्रिज के सभी पार्ट को केयरफुली निकाल लूँगी और फ्रिज को एकदम मैं फ्री कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रिज को बिल्कुल खाली कर लिया है और इसके जो पार्ट्स हैं एक एक करके मैं साफ करती जाऊंगी। एक स्क्रबर की हेल्प से मैं इसको साफ कर रही हूँ और बहुत टाइटली मुझे इसको नहीं रगड़ना पड़ रहा है, ये इजीली क्लीन हो जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या हुआ था, दिवाली पर हम लोग जब अपने घर पर आए थे तो हम अपने फ्रिज को बंद करके आए थे और उसके बाद जब हम वापस अपने जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ गए तो फिर हमें फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सर्दियाँ आ गई थी। और अब एक लॉन्ग टाइम के बाद मैंने जब फ्रिज को खोला तो मैंने देखा कि फ्रिज काफ़ी गंदा हो गया है और जहाँ जहाँ खाने के मतलब थोड़ा बहुत खाना लग जाता है, जैसे आटे के हाथ लग गए या कुछ और ऐसे खाना लग जाता ना थोड़ा बहुत फ्रिज के अंदर, तो खाना ही रखा जाता है, तो वहाँ पर फंगस आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने उस फंगस को निकालने के लिए, उस गंदगी को निकालने के लिए कोलिन का यूज़ किया है। मैं अच्छे से स्प्रे इसके ऊपर कर दूंगी और फिर एक पुराने ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम इस गंदगी को जितना चाहे इस पे हम कपड़ा रगड़ लें या पानी भिगा भिगा कर कपड़े से निकालें लेकिन ये नहीं निकलता है। जितना क्लीन ये ब्रश से हो जाएगा उतना क्लीन ये कपड़े से नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया है, कोलिन इसके ऊपर स्प्रे करके सीधे ब्रश से इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ एक दो मिनट मैंने इसको अभी क्लीन किया है और मैं आपको इसमें फ़र्क दिखाती हूँ। देखिए कितना क्लीन हो गया है, बट अभी बहुत ज़्यादा काम है इसके अंदर, हमें पूरी गंदगी इसकी निकालनी है। फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ पर हमारा हाथ या कपड़ा नहीं पहुँच सकता हम वहाँ वहाँ पर स्प्रे और ब्रश की हेल्प से पूरे फ्रिज को क्लीन कर लेंगे। ये तो डोर वाला एरिया है, इसकी रबड़ है, बट अंदर भी फ्रिज की कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर मतलब हाथ नहीं जा पाता है, तो वहाँ पर भी हम ब्रश से आसानी से क्लीन कर सकते हैं। एक बार तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मुझे फ्रिज को पूरा धोना ही पड़ेगा, मैंने फ्रिज को बाहर ही निकाल लिया था, बट फिर दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको ब्रश से क्लीन कर देती हूँ, इसके जितने बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने कोलिन की हेल्प से पूरे फ्रिज को क्लीन कर लिया है और अब मैं जो मैंने गर्म पानी किया था ना उसमें एक कॉटन के कपड़े को डिप करके मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है और अब मैं इस कपड़े से पूरे फ्रिज को वाइप कर दूंगी खूब अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, इजीली क्लीन हो रहा है, बहुत ही सुंदर और नया मुझे मेरा फ्रिज दिख रहा है, आप भी खुद ही फर्क देख सकते हैं। फ्रेंड्स, गर्म पानी मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक जो कोलिन की स्मेल होती है ना वो थोड़ी रह जाती है, अगर मैं उसको ठंडे पानी से बाद में वाइप करती तो वो रह जाती, और अब मैंने गर्म पानी से किया है तो बैक्टीरिया और जर्म्स के साथ साथ कोलिन की स्मेल भी निकल जाएगी और फ्रिज भी क्लीन हो जाएगा। और गीले कपड़े से वाइप करने के बाद अब मैं इसको एक सूखे कपड़े से अच्छे से एक बार और वाइप कर दूंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रिज हो गया है एकदम नया और सुंदर। अब हम क्या करते हैं, अपने फ्रिज के जो पार्ट है ना हमने वॉश किए थे उनको भी अच्छे से वाइप करके इसके अंदर सेट करते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने पहले से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए एक बड़ा सा थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ जहाँ जहाँ फ्रिज में गंदगी जमा हो गई थी और हम मतलब नहीं निकाल पाते हैं इजीली, वो कितनी आसानी से निकल गई है। फ्रिज के जो डोर की रबड़ होती है अंदर से और बाहर से, देखिए दोनों तरफ से कितना क्लीन हो गई है, अंदर से भी देखिए। सो नाउ फ्रेंड्स, आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।